हेलो गाइस, दिस इज़ 24 अगस्त और आज मैं निकलने वाला हूँ अपनी डीवी के लिए। यहाँ से मैं जाऊँगा पहले नियरेस्ट बस स्टैंड, वहाँ से मैं दिल्ली के लिए बस पकड़ूँगा और दिल्ली में मैं किसी रिलेटिव के यहाँ रुकूँगा और उस कल यानी कि 25 अगस्त को मेरा डीवी है, तो मैं डीवी दूंगा और अपना सारा एक्सपीरियंस इस वीडियो के थ्रू शेयर करूँगा। Years later. तो भाई मैं अपना डीवी देके आ चुका हूँ और अभी जस्ट सीढ़ियों में चल रहा हूँ अंदर ऑफिस में। डीवी जो है वो हो तो गया, लेकिन OBC जो सर्टिफिकेट है उसको प्रोड्यूस करने की जो डेट है उसमें थोड़ी प्रॉब्लम आ गई। क्रूशियल डेट के बाहर था मेरा OBC सर्टिफिकेट, तो बाकी प्रोविजन दे दिया उन्होंने, रिजेक्ट तो नहीं किया, बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स मेरे सही थे। भाई साहब डीवी देने आया था और डीवी हो चुका भी है, लेकिन स्टेटस जो है वो दिया है प्रोविजनल, क्योंकि हम नहीं प्रोड्यूस कर पाए उनके सामने OBC की जो क्रूशियल डेट के अंदर वाली जो सर्टिफिकेट होता है वो वहाँ पे मैं प्रोड्यूस नहीं कर पाया। 2022 फरवरी का है मेरा OBC का सर्टिफिकेट, तो बाकी तो सारी चीज़ें क्लियर थी, ठीक है, नॉर्मल हुआ था। उससे पहले लग रहा था थोड़ा कि पता नहीं क्या होगा अंदर, लेकिन सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन हल्की सी डांट भी खानी पड़ गई, क्योंकि जो जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे अरेंजमेंट करके ले जाना होता है ताकि उनको भी कोई दिक्कत नहीं आए अंदर। और एक तो मेरे साथ मेरे बोर्ड में था जो बंदा, वो उसने तो कुछ फॉर्म भी नहीं फिल किया था, तो उसको ज़्यादा डांट पड़ी थोड़ी सी, अरेंजमेंट नहीं करने पर थोड़ी डांट मिलती है, और कुछ फॉर्म भी ना भरने पर और अरेंजमेंट भी ना करें तो ज़्यादा डांट मिल सकती है, ठीक है। बाकी तो एक्सपीरियंस की बात करें तो बढ़िया था। मैं बैठा हुआ हूँ अभी NIA के ऑफिस जो है उसके सामने, दिखा नहीं सकता क्योंकि कैमरे वैमरे यहाँ पे अलाउ नहीं है। बाकी वीडियो में मैंने डाल भी दी थी एक छोटी सी जाते टाइम, तो ओवरऑल एक्सपीरियंस बढ़िया था। डिग्री ले जाना, नहीं तो प्रोविजनल चल जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे जैसे आपका रिपोर्टिंग टाइम मेरा था 11:30, तो एंट्री जो शुरू हुई थी मेन गेट पे, जो गार्ड लगे हुए हैं यहाँ पे उनके थ्रू जो एंट्री शुरू हुई थी वो हुई थी 11:00, तो मैं 11:00 एंट्री ली, और एंट्री लेने के बाद ही मेरा 11:30 के समथिंग नंबर आ चुका था, जो मेरा रिपोर्टिंग टाइम था। उस समय मैं बोर्ड में बैठ चुका था, लेकिन OBC सर्टिफिकेट की थोड़ी प्रॉब्लम थी, उसमें उन्होंने वो भरवाया था कि आई सर्टिफाइड दैट दिस OBC सर्टिफिकेट इज़ ओरिजिनल एंड हैज बीन प्रोड्यूस्ड बाय मी बिफोर यू, और ये उस डेट के बाहर है, ये मैं सर्टिफाई करता हूँ, ये कुछ ऐसा भरवाया था उन्होंने, जो मैंने भर दिया। और जो मेरा स्टेटस है वो मैंने शेयर कर दिया है आपको, पोज प्रेफरेंस जो थी वो मैंने भर ली और एक बार चेक भी कर ली थी वहाँ पे, तो ठीक है, उसमें कोई दिक्कत है नहीं। पोज प्रेफरेंस बनने के बाद यहाँ पे स्क्रीन नहीं लगी हुई थी, जो स्क्रीन होती है एक तो डेटा एंट्री ऑपरेटर है उसकी साइड स्क्रीन होती है, और एक होती है स्क्रीन जो हमें देखनी है जिसमें पोस्ट, तो वो वाली स्क्रीन लगी नहीं हुई थी। तो उसमें मैंने जो पोस्ट थी वो जब प्रिंट आउट निकला उसके बाद मैंने वो पोस्ट देखी है, ठीक है, उसकी एक एक कॉपी उन्होंने रख ली और एक कॉपी मुझे दे दी, तो वो मैं शेयर कर दूँगा। और तो रिज़ल्ट का इंतज़ार रहेगा, क्या कैसा रहता है रिज़ल्ट, बस देखते हैं, 2-3 महीने इंतज़ार करो। और ना तो मैं 2021 देने वाला हूँ DV में, और ना 2022 का तो मैं प्रिपेयर नहीं करूँगा, ठीक है, तो कुछ ही महीनों की बात और है, जर्नी एंड हो जाएगी, ठीक है। और उम्मीद है कि प्रोविजनल जो है जो OBC में लगा है वो मेरा क्लियर हो जाएगा डिपार्टमेंट वेरिफिकेशन। I wanna fly over mountains. I wanna reach the end. I rise up on the ashes. I wanna burn again. I will find my way through the bitterness.
he left.